सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकारी नौकरियां लग रही हैं? सरकारी नौकरी का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं है, दो चार हैं ऐसे पड़े। आदमी परिश्रम कर रहा है 80%, उसमें से भी अगर 10-20% अगर नहीं हो रहा तो फिर बेकार है। नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई है, घर बैठे हैं, उसके पहले कुछ काम धंधा कर रहे थे, काम ही नहीं मिल रहा है कुछ, सब फर्जी है, बीजेपी झूठों का घर है। तो इधर पब्लिक से लूट रहे हैं, उधर राशन दे रहे हैं मोदी। हम लोग 60 साल की उम्र हो गई ना, हम लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं, पेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार भी जा रहे हैं केशव प्रसाद जी की? इस बार तो नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। मोदी सरकार से जो उम्मीदें थी पूरी नहीं होती आपकी? अब उम्मीदें क्या, उम्मीदें देख तो रहे, 10 साल हो गया, बदलना भी तो चाहिए। सही बात। क्या परेशानियाँ हुई? अरे बहुत परेशानी है, लड़के पढ़ लिख के न कोई नौकरी पा रहा न कुछ। लॉकडाउन में 10,000 रुपए दे के ट्रक से आए घर पर पतन करके, क्या करूं? सीसीए में आपका स्वागत है। अलाहाबाद लोकसभा सीट के अभी हम कपूरी गांव में हैं, और जहां पर हम हैं इस गांव में मुख्य रूप से कुशवाहा समाज भी है, कोल समाज भी है, यादव समाज भी है, कुछ पंडित समाज के भी लोग हैं। मुख्य रूप से अभी हम जहां पर हैं यहाँ कुशवाहा समाज के ही लोग हैं। कुशवाहा समाज का भी इस सीट पर लगभग 70-80 हज़ार वोट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण एक यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे अलाहाबाद की ये जो सीट है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज के बहुत सारे वोट हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ ब्राह्मणों के या कुर्मी समाज के भी जो वोट हैं वो 2.5 लाख के करीब हैं। तो इसमें इसलिए बहुत अलग अलग इस सीट में क्या रुझान क्या है ये समझने के लिए आपको बहुत अलग अलग समाज के लोगों से बात करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा अभी हम मुख्य रूप से यहाँ कुशवाहा समाज के बीच में, आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद लाल कुशवाहा। गोविंद जी, गोविंद जी क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। जी, क्या बिजनेस है आपका? वही जयमाल फ्लोर चला रहे हैं, क्या करें, यहाँ चला रहे हैं जयमाल फ्लोर। क्या मैं समझे नहीं, जयमाल फ्लोर क्या? जो शादी विवाह में लगता है ना। हाँ, अच्छा वो चला रहे हैं। तो 10 साल कैसे रहे हैं अभी? 10 साल बिजनेस के? 10 साल तो बिजनेस जो है कि उधर अभी तो खोला नहीं था, मैं लॉकडाउन के बाद खोला हूँ। तो वो लॉकडाउन में थोड़ी समस्या तो भाई सबको हुई, हमें भी हुई है। पहले क्या कर रहे थे? पहले तो पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद फिर ये मान लीजिए दिल्ली एक दो बार गए थे घूमने के लिए, वहाँ से आए, फिर घर पे हूँ, घर का ही कारोबार कर रहा हूँ। तो ये अभी जो आप ये बिज़नेस चला रहे हैं लॉकडाउन के बाद जो दिक्कतें हुई हैं उसके बाद कुछ बिज़नेस के लिए बाकी चीज़ों के लिए कुछ सुधार आया है? नहीं, सुधार तो यहाँ पे कुछ नहीं जो है, और तो हम समझते हैं और हमारे हिसाब से तो बिगड़ा ही जा रहा है। अच्छा, जैसे के लिए कि जैसे देखिए अब यहाँ पे जो 5 किलो गल्ला मिल रहा है तो एक प्रकार से ये हो रहा है कि आदमी जो पहले काम हमारे जो आदिवासी समाज के थे या जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे, कम से कम पहले कार्य तो करते थे, कार्य करके कम से कम अपना पेट पाल लेते थे। आज ऐसी समस्या हो गई है कि मान लीजिए अब आज गल्ला दे, ये जो राशन दे रहे हैं, राशन देना अगर बंद कर देंगे तो फिर तो समस्या हो गई। इसलिए कि समस्या यहाँ की होगी कि जब आदमी काम नहीं करेगा आलस होगी, जब आलस हो आएगी तो काम नहीं करेगा। तो रोजगार की आप कह रहे हैं दिक्कत है? हाँ, रोजगार की यहाँ बहुत समस्या है। सरकारी नौकरियाँ लग रही हैं? सरकारी नौकरी का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं है, दो चार हैं ऐसे पड़े। वो कब मिले थे सरकारी नौकरियाँ? देखिए दो मिली है, दो हमारे यादव हैं जो एक दो मिली थी 2016 में मिली थी पुलिस की। बाकी तो देखिए कुछ ऐसा होता है कि जो परिश्रम करेगा भाई तो कुछ ना कुछ मिलेगी। फर्क इतना है कि अगर आदमी परिश्रम कर रहा है 80%, उसमें से भी अगर 10-20% अगर नहीं हो रहा तो फिर बेकार है। कहाँ वोट किए थे पिछली बार? पिछली बार तो मैं वोट किया ही नहीं था। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मतलब ये है कि 24 अभी इस साल होऊंगा, अभी तो हुआ ही नहीं था। जो पहली बार दे रहे वोट था नहीं? हाँ, था पहली नहीं हुआ ही नहीं था। तो बन गया है इस बार? हाँ, इस बार तो बन गया। क्या सोच रहे हैं अब? हम तो भाई बदलाव हमें चाहिए। बदलाव के लिए तो यहाँ दो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस लड़ रही है इंडिया गठबंधन से और बसपा लड़ रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो देखिए भाई बसपा में ना पहले थे ना आज हूँ। तो आप मतलब इशारे में बता रहे हैं लेकिन सीधा कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आप कांग्रेस की तरफ। चलिए, मतलब हमें बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए आप, इसलिए कि बदलाव होगा तो कम से कम कुछ ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं कि अगर फिर भी मोदी का अगर सपोर्ट कर देता हूँ तो कहने का मतलब है कि अगर 10 साल में आप हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ नहीं कि हम बदलाव समझ पाएँ
तो फिर अब 5 साल में और हम क्या बदलाव समझ, वो तो बताते हैं कैसा है कि मैं देश बदल दूंगा, अब देश बदलने के चक्कर में वो खुद बदल गए, हम लोगों को यहीं पे रह। जी साहब क्या नाम हुआ? सर इंद्रजीत सिंह नाम है। इंद्रजीत सिंह जी क्या करते हैं आप? सर खेती बाड़ी किसानी। बेरोजगारी बढ़ गई है, घर बैठे हैं, उसके पहले कुछ काम धंधा कर रहे थे, काम ही नहीं मिल रहा है कुछ। बीजेपी की सरकार अब आप समझिए कि गौशाला बनवा नहीं रही है, आदमी के लिए दीवार खड़ी कर रही है, पशु आवारा घूम रहे हैं, खेत में घुस रहे हैं। इसके पहले हम लोग तो खाने के पास रहे थे, बेच रहे थे 50,000 का, अभी खाने के लिए भुखमरी हो रही है। किसान सम्मान योजना मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो, कह रहे हैं सब किसानों के अकाउंट में मैं पैसा कुछ नहीं आ रहा है भैया, कभी नहीं आया है, सब फर्जी है, ये बीजेपी झूठों का घर है। कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। पिछली बार कहाँ किए थे हम लोग भैया? पिछली बार नहीं, सब दिन से इंडिया समाजवादी वाले हैं। आप समाजवादी वाले हैं, ठीक है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? सर मेरा मुकेश कुमार नाम। कोई नहीं। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार यादव। मुकेश जी क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में जी। क्यों, यहाँ आसपास नहीं मिला कुछ? यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिला। क्या बात कर रहे, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा सर। नहीं, मोदी जी जब से आए तो कोई वैकेंसी पास नहीं हो रही, फॉर्म लीक हो जा रहे, पेपर भी हो रहा है, तो फॉर्म भर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहे। ये जो आपने इसका एग्जाम दिया था अभी, ये जो पुलिस भर्ती खुली थी 69,000 जिसपे, हाँ ये दिया था, ये पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया, तो यहाँ सरकारी नौकरियाँ मिल रही हैं बच्चों को गांव में? नहीं, अभी तो चांस नहीं है मिलने का जब से मोदी सरकार आया है। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश को पसंद करते हैं? हाँ, वो तो बात बराबर है, पक्के समाजवादी हैं, फिर भी चांसेस कम है नौकरी मिलने का। तो ये बताओ फिर, अखिलेश भैया के समय पर यहाँ जब उनकी सरकार थी तो कितनी यहाँ सरकारी नौकरियाँ खुल रही थी? बहुत से लड़कों के खुल रहे थे, और अखिलेश भैया थे तो लैपटॉप बंटवा रहे थे 12 पास वालों को। तो ये भी तो राशन बंटवा रहे हैं। मोदी सरकार आए तो भी कितना 6,000 का स्मार्टफोन दे रहे हैं। हाँ। गैस की महंगाई इतना कर दी है मोदी सरकार, पहले तो गैस पहले 700 रुपये में चलती थी, अभी 1300 रुपये है गैस का। तो इधर पब्लिक से लूट रहे हैं, उधर राशन दे रहे हैं मोदी। चलिए आपसे बात करते हैं। जी बाबू जी, क्या नाम हुआ अपना? राम विशाल कुशवाहा। हाँ जी, राम विशाल कुशवाहा। राम विशाल कुशवाहा जी, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड हैं? कुछ नहीं, घर बैठे हैं, किसानी का काम करते हैं। किसानी करते हैं, कितनी जमीन है अपनी? कुछ नहीं है जमीन, अब वही पिताजी के नाम, पिताजी के नाम से है, वही मान लो 1-1.5 बीघे हिस्से में आएगा, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ तो बीघा मतलब एक एकड़ में लगभग 1.5 बीघा होता है ना इधर? तो एक बीघा जो है एकड़ में, हाँ 1.5 बीघे का 2.5 बीघा बनेगा, एकड़ एक एकड़ का जो है वो 1.5 बीघा बनेगा। हाँ वही पूछ रहे हैं, 1 एकड़ का 1.5 बीघा लगभग उतना ही जमीन है। तो ये बताइए, ये कितनी दिक्कत हो रही है, या आवारा पशु से दिक्कत हो रही है? पशुओं से तो दिक्कत हो ही रही है, किसान वैसे परेशान है, सब रूंध के अपन देखभाल करके जो है बिता रहे हैं। तो ये बताइए फिर, ये जो आप कह रहे हैं कि इतना आवारा पशुओं से दिक्कत हो रही है और इस तरीके से, तो किसान सम्मान निधि जो मिलती है उससे भरपाई हो पा रही है उसकी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। गैस सिलेंडर मिला आपको? गैस सिलेंडर तो मिला है। तो कितनी दिक्कत हो रही है महंगाई से, या आपको खुश है जो? महंगाई से दिक्कतें है हम लोगों को, हम लोग 60 साल की उम्र हो गई ना, हम लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं, पेंशन नहीं मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस समय 64 साल का मैं हो गया, पेंशन नहीं मिल रहा है ना? मेरा मिल रहा है ना, उसका मिल रहा है औरत का। अच्छा एक चीज़ बताइए, मौर्य समाज या कुशवाहा समाज पिछली बार किधर गया था ज़्यादा, 2019 का जब चुनाव हुआ था किधर गया था वोट में? अब उधर तो ये केशव प्रसाद थे और बियादरी जान के कुछ लोग उधर गए, कुछ दूसरी तरफ गए। इस बार भी जा रहे हैं केशव प्रसाद जी के? इस बार तो नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। ऐसा क्यों, उप मुख्यमंत्री बनाया है उनको? उप मुख्यमंत्री भी बनाया था उनको? तो मुख्यमंत्री बने कहाँ, वो उप मुख्यमंत्री हम बोले। हाँ तो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की बात किए थे इसलिए सब बिरादर उधर गए थे। अच्छा, तो मोदी ने, योगी मोदी ने ऐसा राजनीति लगा दिया कि उनका पत्ता ही साफ कर दिया। तो इस बार नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। किधर जा रहे हैं? हाथी हाथी पर जा रहे हैं, पंजे पर? सब गठबंधन में जा रहे हैं, सब गठबंधन। हाँ आइए, बैठे रहिए बैठे रहिए, हम आपके पास आते हैं, बुजुर्गों को नहीं परेशान करेंगे हम, आप हमारे बड़े हैं। जी बताएं, क्या नाम हुआ आपका? रमाशंकर कुशवाहा।
क्या करते हैं रमाशंकर जी? खेती बाड़ी करते हैं। बढ़िया रहे 10 साल इस सरकार में किसानों के? नहीं, बढ़िया नहीं है। नहीं रहे? क्या परेशानियां हुई? अरे बहुत परेशानी है, लड़के पढ़ लिख के न कोई नौकरी पा रहा न कुछ। क्या मतलब है, जब आप जो वैकेंसी रोके हो उसको बहाल न करना चाहिए। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा दिया पर लोग खेत बेच करके लिए कोई कुछ नहीं। हाँ, और किसान जो यहाँ परेशान है, तब कितनी महंगाई हो गई। आपके खेत बेचे हैं कुछ पढ़ाने लिखाने के लिए? इधर लोग खेत बेच रहे हैं। अरे कहाँ रख दिए हैं 1 लाख का। अच्छा, तब नौकरी नहीं खुल रहा है? कुछ नहीं, सभी बेकार है सरकार। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, तो पिछली बार कहाँ गए थे? पिछली बार फिर नहीं थे, पहली बार थे संघ इनके। एक सेकंड। हाँ जी, पहली बार से? पहली बार रहे। कहाँ? भाजपा के साथ 19 में। हाँ, कि ऐसा भाई कहा था भाई के नहीं देखी लग, कांग्रेस बहुत दिन आ रही। हाँ, मौका देना था। मौका देना था, लेकिन उस बार फिर नहीं थे, फिर बन गए। इस बार फिर नहीं इनके साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं। तो पिछली बार क्या केशव प्रसाद मौर्य जी का भी कुछ असर था जो आप उधर मौका देने गए? अरे वो कुछ नहीं, अब जानते थे कि वो नहीं बनेगा। देखो, हम नहीं थे उनके साथ, तो हम बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं। आप बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हैं। उनका प्रभाव कितना है इस इलाके में? अरे बहुत है, बहुत कुशवाहा समाज से। जी भाई साहब आइए ना, थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा सा आइए ना। अरे क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा है। राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी क्या करते हैं? ये करते क्या है, कुछ नहीं, घर पे अपना रहते हैं, बाल बच्चों के साथ ऐसे खर्चा चला रहे हैं। क्या उम्र है बाल बच्चों की? बाल बच्चे तो अभी छोटे छोटे ही हैं, 12-13 साल हैं। दुकान अपनी है? हाँ, दुकान अपनी है। कैसी चल रही है आपके जैसे दुकान है, छोटा व्यापार जो रहा है पिछले 10 सालों में कैसा रहा? पानी अपना चल रहा है उसी से, तेल साबुन और क्या, इससे क्या होने जाने वाला है। तो राशन तो दे रही सरकार, वो कह रही है हम 5-5 तो राशन दे रही है। राशन मिल कहाँ रहा है, हमें तो नहीं मिला कभी। चलिए ये बताइए, आपके यहाँ बच्चे हैं छोटे 12-13 साल के, स्कूल जाते होंगे? हाँ, स्कूल जाते। सरकारी हैं। स्कूल जा रहे हैं प्राइवेट? प्राइवेट जा रहे हैं। क्यों, सरकारी में काम नहीं हुआ? सरकारी में तो लिखवाते हैं, सरकारी क्या, सरकार तो पैसा दे रही मास्टरों को, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो वही है सरकारी की। सरकारी में ज्यादा अच्छा काम, कुछ सुधार नहीं आया? कुछ सुधार नहीं आ रहा है। योगी जी सरकार ने सुधारे नहीं? अब सुधारे कि नहीं सुधारे, हम लोग तो बच्चों को पढ़ाए, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो उसमें से प्राइवेट में करवा दिए। तो ये बताइए, सिलेंडर आया घर पे? सिलेंडर एक ही आया है मेरे नाम से। भरवा पा रहे हैं अब? कितना, अब तो बढ़ गया ना उसका काफ़ी दाम? अब बढ़ गया है, हो गया, देहात है, उतना पैसा नहीं सट पाता, तो हम लोग बराबर नहीं भरवाते हैं अपना। अच्छा। हाँ, लकड़ी से काम चलाते हैं। तो ये बताइए, पिछली बार कहाँ वोट दिए थे? पिछली बार, पहली बार तो मोदी को ही दिए थे 14 में। हाँ, और 19 में? अब 19 में सपा को दिए थे, इस बार भी उन्हीं को है। इधर मतलब जो गठबंधन है, कांग्रेस है इधर से। हाँ, मोदी सरकार से जो उम्मीदें थी पूरी नहीं उतरी आपकी? अब उम्मीदें क्या, उम्मीदें देख तो रहे हैं, 10 साल हो गया, बदलना भी तो चाहिए। सही बात। लो भाई साहब, क्या नाम हुआ? हम पूछ रहे हो क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामोद है। हाँ जी, राम कुशवाहा। राम कुशवाहा जी, ये बताइए, आपके नाम पर ही पूरी राजनीति हो रही है, राम जी के नाम पर? खुश हैं इस सरकार से? वो बोले हम राम को लाए हैं। खुश हैं आप? नहीं, नहीं खुश हैं। एक सेकंड, नहीं खुश हैं? क्यों? अरे जब क्या खुश हैं, वो तो पहले से राम अयोध्या है, तो बनवा दिए तो उससे खुश हो जाएंगे। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं साहब। कैसे रहे 10 साल किसानी के लिए? अब किसान ही कहीं पथरा पीट रहा है, कहीं रोग लग रहा है, कोई कुछ रहा है, यही सब हो रहा है, और क्या। किसानी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो अपना। इधर मंडी है आसपास? यहाँ नहीं है, कोराव है मंडी। कोराव है मंडी, तो रेट ठीक मिल रहा है MSP के हिसाब से? नहीं मिलता, न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य के साथ? बेचने को नहीं होता साहब, खाने पीने के लिए अपने लिए उगाते हैं। ठीक है, तो बाकी कैसे गुजारा चलता है फिर? अब ऐसे लड़के का दिल सब कमा खा रहे हैं। सरकारी नौकरी लग रहा है कुछ? कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहाँ वोट कर रहे हैं? वोट तो इस बार पंजाब दे रहे हैं, हम तो हर चक्कर दे रहे हैं पंजाब पे। आप हमेशा ही पंजाब? हाँ, हमेशा ही। चलिए, आपका भरोसा अटूट है इस बार भी? उस तरफ भी देसी अखिलेश को दिए थे, अब भाई नहीं जीत रहे हैं तो क्या करें अब हम लोग। थैंक यू जी साहब। क्या नाम हुआ अपना? अजय कुमार कुशवाहा। अजय जी क्या करते हैं? हम घर पे भी रहते हैं, कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं परदेश। परदेश में क्या काम कर रहे हैं? हम पोल्ट्री मशीन चलाते हैं। पोल्ट्री मशीन कहाँ पे? सूरत में।
अरे आप तो मोदी जी के राज में जाते हैं तो क्या करें, हमें अपने यहाँ नहीं है तो क्या उधर क्या स्थिति है, गुजरात की क्या स्थिति है? स्थिति उधर का माहौल बढ़िया है, यहाँ से बेहतर है, वहाँ से बेहतर है, वहाँ से मोदी के जिताएंगे। आप उधर, उधर आपका वोट उधर है, इधर है? नहीं इधर ही है। तो वोटिंग ही करने आए हैं अभी? वोटिंग तब, हाँ सब आए हैं तब काम भी होगा अपना, वोटिंग भी हो जाएगा। तो उधर सूरत में आपके सारे लोग वहाँ पर मोदी जी को जितवा रहे हैं, आप नहीं जितवा रहे? नहीं, इस समय सब जितना है सब परदेसी लोग सब गाँव चले आए हैं। तो आप किसको जितवा रहे हैं? हम पंजाब पर रहेंगे। आप भी पंजाब? पिछली बार कहाँ थे, सच बताओ? पिछली बार मैं वोट ही नहीं दिया था। क्यों? मैं बाहर ही था। 14 में कहाँ दिए थे? 14 में कमल के ही दिए थे, भाजपा बीजेपी। आपको लग रहा था अच्छे दिन आएंगे? अब वो पहली बार था तो आदमी सब दे रहे थे, हम भी दे दिए। आए नहीं अच्छे दिन? अब अच्छे दिन क्या, अब यार परदेश में फंसे थे वो लॉकडाउन में, 10,000 रुपये दे के ट्रक से आए घर पर पतन करके, क्या करूँ। बहुत दिक्कत हुई थी उस वक्त, दिक्कत हुई लॉकडाउन में, वहाँ फंसे हुए थे। चलिए ये बताइए फिर, यहाँ ओबीसी समाज में पूर्वांचल की तरफ जाते जाते कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट है इधर, आप कह रहे हैं कुशवाहा समाज से इधर सब कह रहे हैं हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, मोदी जी कहते हैं मुझसे बड़ा ओबीसी कोई है ही नहीं, मैं ही ओबीसी। वो तो उनका राजनीति कहने का भले है, वो भाई बोलेंगे हमारा सब है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ओबीसी समाज के लिए कुछ किया नहीं? वो तो आदमी जिधर चाहेगा उधर जाएगा, उसके कहने से थोड़ी हो जाएगी, बस उनके कहने से हो गया तो हो गया। तो क्या लग रहा है इस बार पंजाब जीत पाएगा? अब भाई जीते या ना जीते, हम लोग जिधर सब बोलेंगे रहेंगे साथ में, उधर साथ में हम भी रहेंगे। ठीक है, हम अभी कपूरी बड़ैया ग्राम सभा में हैं, अलाहाबाद की लोकसभा सीट में। मुख्य रूप से यहाँ कुशवाहा समाज से हमने बात करी, और भी समाज के लोग थे, यादव समाज के भी कुछ लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से कुशवाहा समाज के लोगों से बात हुई। इस बार मत कई लोगों का बदला हुआ, कई लोग कह रहे हैं पिछली बार भी उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दी थी लेकिन कुछ लोगों ने की थी, और मत कई लोगों का यहाँ पर ऐसा लग रहा है बट इस बार बदलाव की तरफ है। ख़ास करके ये जो एक दिक्कत पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक आते आते जो अलग अलग सीटों पर गए हैं, आवारा पशु, बेरोज़गारी, महंगाई, ये दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जो हर जगह लोगों को परेशान कर रहे हैं। कितना इसमें वोटों, इसकी वजह से वोटों में कितना बदलाव आ पाएगा इस बार, ये तो हम 4 जून को ही जानेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।